नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। कल खाकी में हमने देखा कि कैसे बरेली शहर में एक पूरे परिवार की निर्ममता से हत्या कर दी जाती। हालांकि इंस्पेक्टर यशवीर के नेतृत्व में पुलिस जी जान से जुटी थी, मगर उनके हाथ अभी भी खाली थे। तो यूं मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ नहीं देता। सारी प्रॉपर्टी, सारे जायदाद को हड़प लिया उसने। सर, सिटी साहब मेरे बड़ी भाई की तरह थे। उनका ऑफिस और मेरी दुकान दोनों अगल बगल थी। उनके घर पर इन्वर्टर, स्टेबलाइजर सब मैंने ही लगवाया था। और आखिरी बार आप उनके घर कब गए थे? सर, घर का तो याद नहीं, लेकिन दुकान पर लगभग रोज ही मुलाकात हो जाती थी। सर, लेकिन एक बात है। क्या? सिटी जी के घर पे एक नौकर था, जियालाल, उसे उन्होंने निकाल दिया था। वो इसलिए क्योंकि उनके घर पे एक नौकरानी राधा के साथ उसका कुछ चक्कर था। राधा? हमारा नाम राधा है और हम 5 साल से साहब के यहाँ काम करते हैं। तो शनिवार को भी आई होगी? हाँ, आई तो थी, लेकिन कई बार घंटी बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये जियालाल को मिस्टर सेठी ने क्यों निकाला? नाम मत लीजिए उस कमीने का। एक दिन तो शराब पीकर हमें फोन किया और बोला कि हमारी बेइज्जती का बदला लेंगे एक एक से। पाठक, जियालाल का नंबर लो इनसे। नंबर बताओ। सर, फाइन इमेजिंग की वजह से इस आदमी की शक्ल काफी हद तक क्लियर हो गई है। हुई बाबा, ये तो जियालाल है। सर, जियालाल का फोन सैटरडे से ही स्विच ऑफ, पर आज दोबारा ऑन हुआ है। और कमाल की बात ये है सर कि उसकी लोकेशन उसी इलाके की है जहाँ राधा का घर है। वो पक्का उससे मिलने जा रहा है, तुम तुरंत वहां पहुंचो। सर, मैं राधा के घर के पास ही हूँ। वेरी गुड। चल, अब बता सच क्या है, बोल। साफ साफ बता दे कि तूने उस निर्दोष परिवार को क्यों मारा। साहब, ये सच है कि मैं उनके घर पे गया था, पर मुझे क्या पता उनके घर का नजारा ऐसा होगा। उन्होंने मुझे बिना बात के घर से निकाल दिया था। मैं पिछले 9 साल से उनके वहां पर था, मेरी एक बात तक नहीं सुनी। साहब, मैं जब भी उन्हें फोन करता वो फोन काट देते थे। उस दिन मैंने थोड़ी शराब पी ली थी, मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई तो मैंने सोचा आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं साहब को सारी सच्चाई बता कर रहूंगा। साफ साफ बोल, साफ साफ बोल। बताता हूँ साहब, मैं और राधा एक दूसरे को प्यार करते। वो अक्सर मुझसे पैसे लेती थी। जब मुझे पता चला कि वो किसी और लड़के के साथ घूमती है तो मैंने अपने पैसे वापस मांगे। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, उल्टा मुझसे 50,000 रुपये मांगने लगी और कहने लगी कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कहूंगी कि मैंने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ जबरदस्ती की है। पूरा शहर बंद पड़ा है, हर एक दुकान बंद है, ऊपर से कप्तान साहब का भी अल्टीमेटम आ चुका है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। या तो मुजरिम अंदर होने चाहिए या फिर हम लोग थाने से बाहर हो जाएंगे। सर, सबसे बड़ा सस्पेक्ट जियालाल था। उसके फिंगरप्रिंट्स तो मैच किए पर ब्लड सैंपल नहीं, और कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है। सर, अगर जियालाल होता तो अब तक टूट गया होता। सर, अब क्या करें? ट्रांसफर का इंतजार या फिर सस्पेंशन का? शुक्रवार की रात को यह हादसा हुआ और उसी दिन सेठी ने 20 लाख रुपए निकाले। 20 लाख? फ्राइडे यानी शुक्रवार, और डेट वही जिस दिन मर्डर्स हुए थे। इसमें आस्था ने लिखा है राजपूत भैया को दिए 1500 रुपए इन्वर्टर ठीक करने के लिए। राजपूत के आगे भैया? सर, डेट मींस कि ये सेठी परिवार राजपूत को पहले से जानता था।
सर मतलब ये हुआ कि सेठी परिवार के घर में इसका आना जाना लगा रहता था। तुम्हें याद है उसने क्या कहा था कि सेठी के घर पर इन्वर्टर उसी के लगाए हुए हैं।